तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज इस वीडियो में राहुल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरह की पजल लेके आया हूं, जो कि काफी ज्यादा टफ होने वाली है। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टफेस्ट पजल यही देखी है और इसको मैंने परचेस किया है और अब आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूं। फाइनली अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कितनी ज्यादा टफ पजल है ये। थर्ड नंबर पे हमारे पास में ये 3x3x6 क्यूबॉइड क्यूब, जो कि काफी अमेजिंग है। इसको फटाफट से हम अनबॉक्स करते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि दो क्यूब हमने एक साथ एक के ऊपर एक रख दिए हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये ऐसा लगता है कि यार सेम दो क्यूब है जिनको एक के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया गया है और ये काफी टफ पजल है। देखते हैं किस तरीके से ये टफ है। देख तो सकते हैं आप किस तरीके से कितनी अमेजिंग तरीके की दिख रही है। तो ये है गाइस मेरे पास में 3x3x6 क्यूबॉइड क्यूब। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्यूबॉइड क्यूब क्यों कहते हैं। तो ये है मेरे पास में एक 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो जब भी हम एक 3x3 क्यूब में एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ये 3x3x4 बन जाता है। मतलब यहाँ पे मैं अगर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दूं, मतलब आप इमेजिन ऐसे कर लो कि ये वाले मैं दोनों लेयर को ऊपर इस तरीके से छुपा देता हूं, तो ये हमारा बन गया 3x3x4, मतलब 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे ये 3 लाइंस तो पहले से है, तो ये हो गया क्यूबॉइड क्यूब। अब सेम 3x3x5 ये 3x3x6 हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड क्यूब बन जाता है। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर हम एक 3x3 क्यूब को कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं तो ये अपनी लेयर अचीव कर लेता है, बट यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ये बहुत अपोजिट होता है। इसको हम जैसे ही मूव करेंगे, पहले मूव करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी कॉर्नर कटिंग, क्योंकि मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसको मूव करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट लेयर को मैं कुछ इस तरीके से मूव करता हूं, रिवर्स कॉर्नर कटिंग हम ट्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब हम इसका बैक साइड में कॉर्नर कटिंग ट्राई करते हैं तो ये तब भी नहीं हो रही है, बट हम इसको फ्रंट में जैसे रोटेट करेंगे थोड़ा बहुत हो जाएगा। सेम 3x3 का ऊपर का शेप हम ट्राई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि इसमें ज्यादा पीसेस है और शायद तक ये होगा भी नहीं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसका एक कोई सेंटर पीस देखते हैं, तो यहाँ पे हमको सेंटर पीस समझ में नहीं आ रहा है। एज अ 3x3 देखे तो ये हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, बट यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे इसका ये वाला सेंटर कैप देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो स्क्रू काफी अंदर है, काफी ज्यादा अंदर है, तो मैं यहाँ पे से चेक करूंगा इसका कोर यहाँ कहीं पे आना चाहिए। और फिर उसके बाद में बैक साइड का जो अपोजिट येलो सेंटर कैप है वो भी काफी बड़ा है, मतलब काफी ज्यादा अंदर है, हमको बिल्कुल मेरी ये उंगली, अरे ओ नो ये कौन सा पीस निकल गया है, तो जैसे कि तैसा मैं लगा देता हूँ नहीं तो सारे पीसेस अभी टूट जाएंगे। हाँ अभी वर्क कर रहा है। अब हम इसकी फर्स्ट टर्न ट्राई करते हैं, तो जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ RUR' मूव करते हैं हम RUR'U'। देख सकते हो गाइस काफी अमेजिंग तरीके का ये शेप ले चुका है। फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं RUR'U'। हो गया फाइनली, क्योंकि जब कोई नया क्यूब होता है इसको हम जानते नहीं किस तरीके से सॉल्व होता है, तो हम ये मूव ट्राई करते हैं और अनसॉल्व हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो भाई अब हम इसको फिर एक बार स्क्रैम्बल करने का ट्राई करते हैं, उससे पहले हम एक चेकर बोर्ड पैटर्न बनाएंगे, पता नहीं बन भी पाता है या नहीं। और ये हमारा चेकर बोर्ड पैटर्न बन के रेडी हो चुका है फाइनली, और ये कुछ अजीब तरीके से दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई रोबोट है, बट अच्छा भी लग रहा है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। फाइनली ये सॉल्व हो चुका है, अब मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से स्क्रैम्बल होता है। ओह माय गॉड, ये काफी खतरनाक तरीके से स्क्रैम्बल हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसने सारे पीसेस अपने इधर से उधर बिखेर दिए हैं और मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ कि यार अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मतलब लिटरली बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओह माय गॉड, इसका कोई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इसका कंप्लीट सॉल्व वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और मैं भी इंजॉय कर पाऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी एक क्यूब काफी कूल देखने को मिलता है। अब है सेकंड नंबर का हमारे मोस्ट डिफिकल्ट क्यूब, जिसका नाम है टाइम मशीन क्यूब, जो कि काफी डिफिकल्ट है। सेकंड नंबर मैंने रखा है, तो ये हमारे पास टाइम मशीन क्यूब, जो कि काफी टफ है, देखने में तो बिल्कुल काफी कूल लगता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के डायल देखने को मिल जाते हैं जो आपको एक क्लॉक की याद दिलाते होंगे। सभी तरफ आपको एक 2x2 का शेप देखने को मिलता है और यहाँ पे एक क्लॉक बनी दिखती है और इसको आपको सेट करना पड़ता है, और सेट जैसे जैसे करते जाते हो ये काफी टफ होते जाता है, क्योंकि इसमें 6 साइड है, 6 साइड में आपको 2x2 के सारे क्यूब के कलर अरेंज करने पड़ते हैं एंड देन फिर उसके बाद में सारे नंबर्स को अरेंज करना पड़ता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। स्टार्ट किए किस तरीके से वर्क करता है। तो फाइनली गाइस ये है मेरे पास में एक टाइम मशीन क्यूब, देखने में तो काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्टी आपको मिलेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे ही आप इसको फर्स्ट लुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 2x2 क्यूब देखने को मिलता है, जहां पर एक 2x2 इन डायल के पीछे छुपा हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक 2x2 क्यूब है। और अब मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूं तो ऐसा लगेगा कि यार में भी एक 2x2 रखा हुआ है। तो इसका मेन एम यही होता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका पहले हमको 2x2 क्यूब सॉल्व करना पड़ता है, देन उसके बाद में इसके सारे डायल को सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी
इसकी कॉर्नर कटिंग कैसी है, जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हमको होती है। जैसे मैं इसका फर्स्ट मूव करूंगा, मुझे सारे इसके डायल को अरेंज करना पड़ेगा इसके एक्यूरेट पोजिशन पे कुछ इस तरीके से। अगर ये थोड़ा भी मिसमैच हो जाता है तो ये मूव नहीं होने का। तो यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसकी कॉर्नर कटिंग तो छोड़ ही दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप एक डायल देखोगे तो आपको एक क्लॉक की तरह देखने को मिलता है, 1, 2, 3, 4 से लेके 12 तक की। तो यहाँ पे हर एक पोजिशन पे आपको इसी तरीके के सारे नंबर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हर नंबर में अपने अपना एक कलर है। तो यहाँ पे जैसे कि ये ऑरेंज है, यहाँ पे येलो एंड सारे जैसे क्यूब में होते हैं। तो जब आप इसको स्क्रैम्बल कर देते हो, ट्राई करते एक बार स्क्रैम्बल करने का, तो बस स्क्रैम्बल करने में भी इसको काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये इस तरीके से अब मूव होगा, बट ये काफी अमेजिंग तरीके की पजल है। जैसे मैंने इसको थोड़ा ही स्क्रैम्बल किया, ज्यादा नहीं किया है, तो अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको एक 2x2 बनाना पड़ेगा। 2x2 बनाने के बाद में इसके सारे डायल के पीसेस को अरेंज करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा और स्क्रैम्बल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी एक वॉक थ्रू वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें हम इसको सॉल्व करने का चैलेंज भी लेकर के आएंगे और सिखाने का भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ओ नो, इसमें दिक्कत यही आता है कि थोड़ा सा पीस अगर सही से अरेंज नहीं है इसका पीस निकल जाएगा। मैं अब दिक्कत ये भी है कि इसको मुझे लगाने के लिए सबसे पहले इसका जो छोटा पीस है इसका एक कैप निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये कैप निकला, अब इस पीस को मैं एक्यूरेट इस पोजीशन पे अरेंज करूंगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये लग चुका है, अब इसका मैं कैप लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इसके सारे पीसेस निकल जाते हैं अगर एक्यूरेट पोजीशन पे हम इसको मूव ना करें तो। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम मूव करते हैं तो यही दिक्कत आती है। बट जब आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करने लग जाते हैं तो आपको आदत बन जाती है किस तरीके से इसको मूव करना है। बट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 2x2 बनाना पड़ता है, और 2x2 बनाने के बाद में इसके सारे डायल को एज अ 4x4 सॉल्व करना पड़ता है। इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमारे पास में फर्स्ट नंबर का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्यूब जो कि काफी अमेजिंग है यार। मैंने फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, इसके पहले एक बार अनबॉक्स कर चुका था, बट यार जैसे ही मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ काफी अमेजिंग तरीके का क्यूब है और इसका नाम है केस क्यूब। ये देखने में तो काफी ईजी लगता है और ये है बिल्कुल 3x3 के जैसा, बट इसको जब आप सॉल्व करने लगते हो इससे भी कहीं ज्यादा गुना डिफिकल्ट होने लग जाता है। मतलब ये सोचो कि ये लेवल 1 का है तो ये लेवल आपका 20 का हो सकता है। ये आप जब सॉल्व करोगे तब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से जब स्क्रैम्बल होता है काफी अमेजिंग तरीके से स्क्रैम्बल हो जाता है। देखने में तो काफी कूल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको, बट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके पीसेस स्क्रैम्बल होते हैं और इसमें क्या डिफिकल्टी आती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्यूब जिसका नाम है केस क्यूब। ये देखने में काफी ईजी लगता है, बट यहाँ पे जो कटआउट है वो सिमिलर है 3x3 जैसे, तो ऐसा लगता है कि 3x3 जैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये 3x3 जैसे सॉल्व होता है, बट इसके जो कटआउट है काफी अलग होते 3x3 से। यहाँ पे 3x3 ऐसा कट आउट है, यहाँ पर भी है, बट ये थोड़ा सा डायगोनल कट है। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल कट होता है तो ये कॉर्नर पीस ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कॉर्नर पीस इसके ये हैं, बट कॉर्नर पीस इसके ये होते हैं क्योंकि इसका डायगोनल कट होता है और सेंटर पीस ये होते हैं। तो इनको मूव करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये एज पीस है या कॉर्नर पीस है। जब इसको आप इसको स्क्रैम्बल करोगे पहले एक बार चेकर बोर्ड पैटर्न ट्राई करते हैं। तो सिमिलर है कि हम इसको मिडिल लेयर को मूव करेंगे या तो लेफ्ट एंड राइट लेयर को दो बार मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का चेकरबोर्ड पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, जो कि विंडमिल टाइप क्यूब देखने को मिलता है, जो कि विंडमिल स्पिनर क्यूब आया था मार्केट में वैसा ही है कुछ। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ स्क्रैम्बल करने का। तो जब मैं इसको स्क्रैम्बल करूंगा बिल्कुल 3x3 के जैसे स्क्रैम्बल होगा, बट इसके पीसेस जो है काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पोजिशन से। तो ये काफी टफ क्यूब लगता है और इसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। इसको आप जब 3x3 से कंपेयर करोगे तो इसका लेवल 1 है। अगर आप सोचते हो कि 1 लेवल है तो इसका जो लेवल हो जाता है 15। काफी ज्यादा टफ पजल होती है ये। पेरिटी भी आती है जो कि 4x4 में आती है, जनरली 5x5 में लेयर वाले क्यूब में आती है, और सेम चीज इसमें भी आ जाती है। तो दिक्कत आती है काफी, बट इसको सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। कभी किसी वीडियो में हम इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, बट आज इस वीडियो में इतना ही। इन सारे क्यूब का एक नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल भी लेकर के आऊंगा और शायद तक इसको हम इसको सॉल्व करेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये तो काफी चैलेंजिंग क्यूब थे, आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करना।